बीच में हैं विनीता जी, जो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित रखता है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है। आइए आज उनसे हम जानकारी लेते हैं सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाने का क्या मकसद है। मैडम एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। मैडम आज जो सावित्रीबाई फूले का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, सावित्रीबाई फूले जी ने ऐसा क्या काम करा है जो आज आप लोग बड़े पैमाने पर मना रहे हैं? सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया है वो मुझे लगता है कि अगर पूरा इतिहास हम टटोल के देखें तो भारत के इतिहास में वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज पूरे हमारे भारतीय समाज के लिए, कि उनके जैसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा है, ख़ास तौर पे जो हमारे वंचित तबके हैं उनको इससे हमेशा दूर रखा गया है। दूसरी बात, सिर्फ इनको नहीं बाकी समुदाय हैं उनको भी शिक्षा से दूर रखा गया है। सावित्रीबाई फूले ने उस समय जबकि हमारे पास किसी तरह के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, बिना साधन के उन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि उन्होंने सब समाज के बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश की। और महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की वकालत की है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा, हम ये सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा दें और लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये सोच उन्होंने बहुत पहले समाज में लेकर, सबसे पहले वही ये सोच लेकर के आई हैं कि लड़की को हम पढ़ाएंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा। और इसलिए उन्होंने इस पहल के तहत स्कूल खोले, लड़कियों को शिक्षित किया, और उस समय शिक्षित किया जबकि हमारा समाज है वो ये सोचता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ब्राह्मणवादी जो समाज है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा उसके खिलाफ रहा है। तो उन्होंने ऐसे समय में ना केवल दलित समाज की बल्कि अन्य समाज की लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, और ऐसे समय जबकि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, औपचारिक रूप से शिक्षा की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो सावित्रीबाई फूले को जाता है। मैडम जब सुना जाता है, जब माता सावित्रीबाई फूले जो पढ़ाने जाते थे उन पर, जो आपने ब्राह्मण समाज की बात की, जो वही लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे। हाँ, सावित्रीबाई ने जब ये शुरुआत की तो उस समाज के लोगों का उन्हें बहुत सामना करना पड़ा कि वो जब जा रही हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए उन पर कीचड़ फेंका जा रहा है, गोबर फेंका जा रहा है, ताकि वो किसी तरह से उनका मनोबल है उसको कम कर सकें। लेकिन सावित्रीबाई इसके बावजूद भी, इस तरह के टॉर्चर के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों से झुकी नहीं, और उन्होंने वो अपने बैग में साथ में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाती थी कि भाई जब उनके साथ ऐसा किया जाएगा वो स्कूल जाएंगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जब वापस आएंगी तो वो साफ़ सुथरी साड़ी पहन करके आएंगी वापस। मैडम ये उनके तो 13-14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, और एक इतनी कम उम्र के अंदर एक महिला इतनी जागृत होना के नहीं, उसके पीछे मैं मानती हूँ कि पुरुष समाज, खासतौर पे ज्योतिबा फूले हैं, उनके योगदान को बहुत सराहनीय योगदान है। क्योंकि हम लोग अक्सर एक कहावत कहा करते हैं कि एक पुरुष की तरक्की में एक औरत का हाथ होता है, तो सावित्रीबाई फूले ने इस कहावत को एकदम उल्टा कर दिया कि एक औरत की जो तरक्की है उसके पीछे एक पुरुष का हाथ हो सकता है। और सच में मतलब ये बहुत ही हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायी चीज़ है कि हम किस तरह से अपने समाज की महिलाओं को आगे करें, वो निर्णय ले सकें, सोच सकें। तो ये एक आदर्श दंपत्ति का उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं ये दोनों। विनीता जी, जैसे कि आज का जो माहौल चल रहा है, सब कहते हैं कि शिक्षा, बाबा साहब ने जो 3 उदाहरण दिए थे कि शिक्षा ग्रहण करो और फिर वो संगठित रहो फिर संघर्ष करो, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है, कामयाब नहीं हो रही है। ये एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, कहावत कह दी जाती हैं, लेकिन जो गाँव देहात के अंदर जो है वो बुरा हाल है। हाँ, गाँव देहातों के बीच में बुरा हाल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अब स्थिति पहले से काफ़ी सुधरी है। खासतौर पर हम अपने समाजों में देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि बाकी सुविधाएं बच्चों को ना दें, एक कपड़ा आप पहन लो, एक रोटी आप खा लो, लेकिन बच्चे को स्कूल जरूर भेजना है। तो शिक्षा तो मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, उन सब चीज़ों का प्रभाव है। तो विनीता जी, आप वो महिलाओं की क्या अपील करना चाहती हैं जो युवा लड़कियां हैं उनके लिए? मैं युवा लड़कियों को तो मतलब ये अपील करना चाहती हूँ कि वो सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा ग्रहण करें, और ये समझने की कोशिश करें कि सावित्रीबाई फूले बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी शिक्षित महिला नहीं थी, उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था अपनी पढ़ाई लिखाई, ज़ीरो से शुरू करना, इंग्लिश पढ़ना सीखना और उसके बाद स्कूल खोलना, ये बहुत बड़ा काम है। कहाँ से शुरू, जबकि आज ये काम है बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं, मतलब मैं भी पढ़ी लिखी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मतलब हम लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो उस औरत ने ज़ीरो से शुरू करके अपनी पढ़ाई और समाज के लोगों को
शिक्षित करने का काम किया है, तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये सब किया। एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि जब हम सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने समाज को एक नए एक आदर्श दंपत्ति का उदाहरण हमारे सामने पेश किया, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने। तो हम उस उदाहरण को देखते हुए प्रेरणा लें कि हम किस तरह से अपने समाज की लड़कियों को हम आगे बढ़ाएं, उनको शिक्षित करें और जिस भी तरह से उनको आगे बढ़ा सकते हैं उनका मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि मैं एक चीज़ इसमें जो मुझे लगती है कि हमारे यहाँ अभी भी गांव देहातों में जो स्त्रियां हैं उनके साथ ये है कि वो पढ़ाई की स्थिति तो खैर पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन कुछ एक परंपराएं हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जिनको पुरुषों को ख़त्म करना पड़ेगा। जिसमें मैं पर्दा प्रथा की बात मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि गांव देहातों की बात आप छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे उच्च शिक्षित समुदाय में भी औरतें हैं, वो पर्दा कर रही हैं, परिवार के लोग हैं वो इस चीज़ को ढो रहे हैं। तो अगर सावित्री बाई फुले भी अगर वो पर्दे में रहती तो वो समाज को अपने समाज को आगे ले जाने का काम नहीं कर सकती। आज से 150 साल पहले अगर वो बिना पर्दे के बिना घूंघट के ही ये सब कर पाई ना जी। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर उनको ये कह दिया जाता कि भाई आप घूंघट करेंगी, आप घर में रहेंगी, आप इसके सामने खड़ी नहीं होंगी, आप उसके सामने बोलेंगी नहीं, आप ऊँचे पर नहीं बैठेंगी, आप नीचे में बैठेंगी, ये सारी चीज़ें गाँव में हैं, देहातों में ये सारी चीज़ें जो कि उनकी तरक्की को बाधित करती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम उस तरह का माहौल महिलाओं को दें। पुरुषों के लिए से मैं खास तौर पे अपील करना चाहती हूँ कि वो ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं।